रुबीना तिलक और इजाज खान एक बार फिर आए साथ, टीम की तरह खेलने की प्लानिंग। बिग बॉस ने कर दिया है घर का बंटवारा, जहां रुबीना तिलक, अभिनव शुक्ला, इजाज खान और पवित्र पुनिया है एक परिवार का हिस्सा, वहीं अली गोनी, जासमिन भासिन, राहुल वेद्य और निकी दाम्बोली है दूसरे परिवार का हिस्सा। इस टास्क की मुखिया यानी कविता कौशिक ने पहले राउंड में जासमिन भासिन और उनके परिवार के नाम कर दिया था किचन, जिसके बाद निकी के तेवर कुछ बदल से गए थे। वो इजाज को किचन में घुसने का मौका तक नहीं दे रही थी। वहीं पूरी टीम भी हो गई थी इजाज के खिलाफ कि कोई भी नहीं करेगा किचन में एंट्री, यहाँ तक कि निकी ने कह दिया था इजाज से कि चल निकल यहाँ से। लेकिन इनका ये बर्ताव पड़ा उल्टा जब कविता ने कर दिया बेडरूम रुबीना के परिवार के नाम। अब इजाज के साथ किए गए बर्ताव को बदला लेने का कर लिया है इन्होंने प्लानिंग, जहाँ रुबीना और इजाज एक साथ प्लान बनाते हुए आए नजर। रुबीना इजाज से कहती है कि किसी को कमरे में घुसने को ही नहीं देंगे, बीमार है वो, इसीलिए उन्हें सिर्फ जरूरत की चीजें ही मिलेंगी। इसी के साथ रुबीना इजाज से पूछती है कि क्या हम टीम की तरह खेल सकते हैं, क्योंकि इजाज खान और अली गोनी की दोस्ती है इस घर में काफी अच्छी। वहीं इजाज देते हैं रुबीना को वादा कि टीम की तरह ही वो खेलेंगे, किसी को भी कमरे में नहीं आने देंगे। आखिरकार जासमिन और उनके परिवार ने भी लगा दी है किचन में आने की रोक। इतना ही नहीं, बंटवारा टास्क शुरू होने से पहले भी इजाज खान रुबीना से कहते हुए नजर आए कि हमें अपने पॉइंट्स को काफी स्ट्रांग रखना होगा कविता के सामने, ताकि वो हमें घर के हर हिस्से को अपने नाम करे। ये दूसरी बार होगा जब इजाज खान और रुबीना दिलैक एक साथ मिलते हुए आएंगे नजर। इससे पहले भी एक था राजा एक थी रानी टास्क में इजाज ने दिया था रुबीना का साथ। अब इनकी ये प्लानिंग किस हद तक आएगी काम, ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना ही होगा। वैसे भी इजाज खान और रुबीना तिलक दोनों भी है काफी स्ट्रॉन्ग। आपकी क्या है राय, क्या ये दोनों को भी घर के अंदर एक साथ मिलकर खेलनी चाहिए गेम, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।